नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं यूएफटी लाइव टीवी। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। रामकुला थाना क्षेत्र के सपहा दहाउर टोले के 20 घरों में मकान बिकाओ होने का पोस्टर लगने से हड़कंप मच गया है। सोमवार शाम सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होने पर पुलिस हरकत में आई। देर रात 9 बजे गांव में पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। लोगों ने प्रधान प्रतिनिधि के उत्पीड़न से तंग आकर मकान बेचने की बात पुलिस को बताई। देर रात तक पुलिस लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराने में जुटी रही। सपहा के दहाउर टोले में अनुसूचित जाति पासी के अधिकांश लोगों का मकान है। सोमवार को गांव के ओम प्रकाश, राजा राम, मनोज, जयप्रकाश, राम प्रवेश, राम सूरत, राम सकल, रामाश्रय सहित 20 लोगों के मकान पर यह मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाकर लोगों ने फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मकान बिकाऊ वाले पोस्टर पर प्रधान प्रतिनिधि पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने गांव छोड़ने की बात लिखी है। चस्पा पोस्टर पर दो समुदाय का मामला सामने आने पर देर रात पुलिस फोर्स गांव में पहुंच गई। जिलाधिकारी कुशीनगर, पुलिस अधीक्षक एवं एसएसपी रितेश कुमार सिंह ने लोगों को समझा बुझाकर शांत कराने का प्रयास किया। गांव के लोगों का आरोप है कि अनुसूचित जाति की आबादी की भूमि पर प्रधान प्रतिनिधि ने जबरन पानी की टंकी बनवाने का प्रस्ताव तैयार करा दिया है। विरोध जताने पर प्रधान प्रतिनिधि ने मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। प्रधान प्रतिनिधि के उत्पीड़न से तंग आकर ही लोगों ने मकान बेचने का फैसला लिया है। इस संबंध में प्रधान प्रतिनिधि महफूज खान ने बताया है कि गांव में पानी की टंकी स्वीकृत हुई, इसका निर्माण कराने के लिए पहले से जगह चिन्हित है। 20 दिन पूर्व तहसील प्रशासन ने चिन्हित जगह से अतिक्रमण हटवाया था। मामले को राजनीतिक तूल देने के लिए यह हरकत की जा रही है। इस संबंध में एएसपी रितेश कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, दोनों पक्षों से बातचीत करके इसका हल निकाला जाएगा। गांव का माहौल खराब करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से पेश आएगी। गांव के हिंदू प्रधान के उत्पीड़न से गांव में नहीं रहना चाहते हैं, वो कहीं दूसरी जगह पलायित होना चाह रहे हैं जी। आखिर में क्या उत्पीड़न प्रधान कौन कौन सा उत्पीड़न कर रहे हैं बताएंगे? यहाँ का ग्राम प्रधान पति महफूज खान के द्वारा जो पानी की टंकी के बनवाने के संदर्भ में जो हम लोग गए थे तहसील दिवस पर कप्तानगंज, अभी उसी के मतलब संदर्भ में हम लोग अपना कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रधान के द्वारा पुलिस के प्रशासन को लोग रात में दिन में आकर धमकी दे रहे हैं। बहन बेटियों का आबरू सुरक्षित नहीं है और जो महिला मेरी औरत का देहांत 22/12/2016 को हो गया था उसके नाम से भी 107 का नोटिस आया हुआ है। नहीं, और उत्पीड़न क्या कर रहे हैं? किसी को पीट रहे हैं या किसी की क्या कर रहे हैं? मारने के और पीटने के और जेल भेजने के पुलिस के लोग आकर के धमकी दे रहे हैं कि रात को हम लोग सो नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं लोग कि 1-1 लाख रुपया अगर तुम लोगों का जुर्माना लगेगा। प्रधान आ रहा है और रात में दिन में घूम रहा है और उसकी नज़र बुरी नज़र रख रहा है। वो कसम खा लिया है कि नहीं, जब ये पानी की टंकी बनेगी तो यही बनेगी, जबकि दूसरा भूमि 10 कट्ठा है उसमें उसका रिश्तेदार 10 साल ये हरजन आबादी है, सुरक्षित भूमि है। 41 और 45 में हरजन आबादी है, सुरक्षित भूमि दिखा रहा है, जबकि एक अराजी नंबर 6 है 10 कट्ठा उसका रिश्तेदार। जमीन के अतिरिक्त और क्या क्या प्रधान उत्पीड़न करता है? कर रहा है, बहुत उत्पीड़न कर रहा है। यहाँ से खदेड़ने के रास्ते, जान से मारने के लोगों को धमकी दे रहा है कि जेल भेजवा देंगे। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम है जिससे हम लोग ये सोच रहे हैं कि अपना मकान बेचकर किसी सुरक्षित स्थान पर हम लोग करें। बहु बेटियों के साथ भी कुछ? हाँ, बुरी नज़र रख रहा है। बहन बेटियां रात को अपने घर सो नहीं पा रही हैं। क्या कर रहा है? पुलिस को लोग आकर रात में धमकी दे रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं लोग और ग्राम प्रधान भी उसी में। पुलिस के लोग आ रहे हैं कि प्रधान आ रहे हैं? प्रधान और पुलिस के लोग भी आ रहे हैं, लोग रात में धमकी दे रहे हैं, दिन में कई बार उन लोगों का राउंड चल रहा है। क्या नाम है? मेरा नाम राम सकल पासवान है। तो प्राइमा फेसी अभी ये पानी की टंकी जो हर घर नल योजना है उसके अंतर्गत सेलेक्ट की गई थी। अब इसको हमने एडिशनल सामने देख लिया है, अब इसके विकल्प हम तलाश रहे हैं कि कहाँ सूटेबल होगा और फिलहाल इस योजना को हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया है। तो आखिर पोस्टर लगाने के लिए मजबूर क्यों गाँव वाले हो गए? क्या आपके अधिकारी कर रहे थे यहाँ, क्यों? अब ये अभी जो मेरी बातचीत में समझ में आया कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसे षड्यंत्रकारी होते हैं कि जिनको इससे योजना से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपना जो है पॉलिटिकल हित देख करके ये इस तरह की एक्टिविटीज कराते हैं। सर, प्रधान प्रतिनिधि पर महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाया है, दबंगई का आरोप लगाया है, इसकी हम अलग से जांच कराएंगे। ये जो आप इशू बता रहे हैं इसकी जांच अलग से कराएंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।